हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए देखते रहिए अंतस्योग। आज की वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल आज पूरा चेंज हो चुका है। सबसे बड़ा चेंज हमारे उठने और बैठने के तरीके में आया है। और सच्चाई ये है कि ना ही हम सही तरीके से सीधे खड़े हो पाते हैं और ना ही सही तरीके से आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं। ऐसे गलत पोस्चर्स के कारण हमारे डाइजेशन और रेस्पिरेशन की क्रियाओं में गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे पोस्चर शेयर करने जा रहे हैं जिससे आपके उठने और बैठने में 100% चेंज आएगा, साथ ही साथ आप सारा दिन ऊर्जावान और शक्तिवान रहेंगे। स्टार्टिंग में जब एंटर हुई थी तो मैंने कहा था मेरे पैरों में पेन है मैम, कल आपने मेरे से पूछा भी था। मैं माइंड की बात तो करती रही, बॉडी की बात मेरे माइंड से, क्योंकि ये ज्यादा था मेरे को। बट मैम मेरे पैरों का पेन बहुत ठीक हो गया, 98% ठीक हो गया। जो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मैं जमीन पे पैर रखती थी, थोड़ी देर बैठू उसके बाद नीचे रखू, की मैं चल नहीं सकती थी कुछ देर के लिए ना, मतलब ये होता था कि लंगड़ा के चलती। हाँ तुम क्या कह रहे हो वीना, बताओ बताओ, अपना माइक खोलो पहले। मैम आपके पर्सनल नंबर पे मेरा स्कैन का रिपोर्ट भेजा है मैंने, देखिए मेरा फाइब्रॉइड का साइज कम हुआ है। वाओ, अभी भेजा है आपने, देखा नहीं है? मैंने देखा नहीं अभी। हाँ, 1 साल के बाद एक आज रिपोर्ट निकला। टेस्ट हुआ था तुम्हारा अभी दोबारा? क्या मैम, टेस्ट हुआ था, टेस्ट कराया था? हाँ आज करवाया मैंने। ओके, सितंबर में 6.2 × 5.2 सेंटीमीटर था, अभी 6 × 5 है। बताओ ये कोई कहते हैं नहीं, तो हम कहते हैं कि जो सिस्ट का साइज है ये यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है? हाँ भाई, बढ़ेगी नहीं, घटेने में तो टाइम लगता है, लेकिन ये टाइम लगता है जो इन्होंने बताया कि भाई उसका साइज भी कम हो गया। रिपोर्ट्स है आपके पर्सनल नंबर पे मैंने भेजा है, आज सुबह ही भेजा है, देखा नहीं, आप देख लीजिए एक बार। 15 डेज में ही मुझे बहुत फर्क आ गया, 98% मेरा ठीक हो गया। कि मेरे से जो उठते ही एकदम होता था वो चीज एकदम जैसे बहुत कम हो गई। बहुत बड़ी बात है मंशुला कि भाई बहुत सारी लेडीज अपने पैरों के दर्द से इतनी परेशान है, अर्थराइटिस रोगों में, जॉइंट्स पेन रोगों में। आज इसलिए मॉर्निंग का सारा सेशन मेरा वही था और बता रहा है, 103 था मेरा, अभी 94 बता रहा है। और मैं खाना सिर्फ एक रोटी फ्रूट और दूध उसी में हूँ मैं। आप ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया आपको? 3 हफ्ते में ज्वाइंट में ही हूँ आपसे, मतलब 3-4 हफ्ता हो गया मेरा। 3 हफ्ते में 104 से 94, ये 94 बता रहा है मेरा। तो वही मेरे को बोलना था आपको, लेकिन कल मेरा थोड़ा कुछ गेस्ट आ गए थे तो मैं निकल गई थी, मैं आपको कल ही बता रही थी। जी हो गया ये क्योंकि आपने डाइट एकदम कम कर दी। लेकिन आशमा जी मैं बता रही हूँ कि जबरदस्ती डाइट मत कम करना, अगर योगा से ऑटोमेटिकली डाइट कम होती है। नहीं, भूख नहीं लगती मैम मेरे को एकदम। हाँ नहीं लगती भूख, ये तो पेट में हम कर रहे हैं ना एक्सरसाइज, लेकिन हमें डाइट चेंज। मेरे ड्रेस भी लूज हो गए हैं मैम, सब ड्रेस लूज हो गए हैं मेरे, पहले के ड्रेस आने लग गए हैं, नाइट सूट वगैरह मेरे को आने लग गए हैं, मतलब मैं खुद लगे रहो बस। जब तक आशमा जी बिल्कुल 70 kg पे नहीं आ जाते, लगे रहना पड़ेगा, हिम्मत मत हार जाना। बीच बीच में माइंड कहेगा अरे छोड़ क्या करना है पतले। सबसे पहले आज हम लेंगे सर्वाइकल से स्टार्ट करेंगे, सर्वाइकल, बैक पेन और नीचे अर्थराइटिस तक। ज्यादातर लेडीज की जो समस्या है उसमें ये वाला हमारा बैक फैट, हिप फैट भी कवर होगा। तो सबसे पहले जो वार्म अप एक्सरसाइज शोल्डर से शुरू करते हैं, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, गहरा सांस भरते हुए सांस को छोड़िए, पूरी कमर में खिंचाव नीचे तक महसूस कीजिए, गहरा सांस होल्ड करके रखिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए थोड़ी देर फील कीजिए बैक स्ट्रेच को। सांस को भरते पीछे देखिए, बैक में थोड़ा स्ट्रेच डालिए और धीरे से सांस को छोड़ते हुए 90 डिग्री, फिर से गहरा सांस, जितना मैक्सिमम पीछे जा सकते हैं
बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए, इम्यूनिटी के लिए, लंग्स पावर के लिए, सांस को छोड़ते हुए। शोल्डर्स को पूरा गोल गोल घुमाते हुए वन, क्या करना है, टू, नीचे फ्लोर को टच करना है। जिनको बैक पेन है वो लोग नहीं झुकेंगे। और धीरे से सांस को छोड़ते हुए फिर से 90 डिग्री गहरा सांस भरते हुए फिर से पीछे, मुट्ठियों को आगे की तरफ यहां से धकेलते हुए कमर को, हमारे ग्लूट मसल्स, हिप मसल्स, हिप फ्लेक्सर्स। अब यहीं से क्या करना है, हमने कमर को स्ट्रेंथ देने के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी होल्ड। यहीं से देखिए सामने, यहीं से हमने क्या करना है, दोनों बैक में गैप 90 डिग्री, फिर यहीं से वन, फिर सामने देखिए टू, टू फ्रंट, गर्दन ऊपर, जल्दी नहीं करना, जल्दी नहीं, थ्री, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन ऊपर, थायराइड की प्रॉब्लम के लिए भी फायदा करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए भी, चेस्ट को पीछे की तरफ खींचते हुए सांस को बाहर निकालते हैं। फाइव पे फिर से आप नीचे की नीचे नहीं जाना जो मैं देख रही हूं, पहले सामने देखिए, वन सामने देखिए, बस गर्दन पीछे, टू राइट हैंड नीचे, थ्री फिर से सामने देखिए, सामने देखिए, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, जिनको बैक पेन है वो लोग आगे नहीं झुकेंगे,